गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब मस्त होंगे। मैं हूं नीरज, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो यार आज मैं हूं पालपा में। जैसे कि कल रात हो गई थी, हम लोग को पहुंचते पहुंचते 8 बज गए थे रात के। तो पीछे जैसा कि आप व्यू देख रहे होगे, आज मौसम भी साफ़ है। जैसा कि ऊपर देख सकते हो, थोड़े बहुत बादल हैं लेकिन फिर भी ठीक है आज और दिन के हिसाब से। तो आज हम लोग एक दो तीन जगह जाएंगे घूमने के लिए, जिसमें कि एक सबसे पहले है रानी महल यहाँ का, और एक म्यूज़ियम है वहाँ पर हम लोग जाएंगे। तो आज जो है हम लोग अपनी गाड़ी लेके नहीं जाएंगे, यहीं से कोई टैक्सी लेके हम लोग जाएंगे, क्योंकि थोड़ा रास्ता जैसा कि थोड़े एकदम खड़ा रास्ता है यहाँ पर, तो थोड़ा सा चलाने में गाड़ी थोड़ा रिस्क जैसा है, क्योंकि नई नई जगह है तो फिर ठीक नहीं है। तो अभी सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ सुबह का, क्योंकि रात को तो मैंने आप लोगों को दिखाई दिया था यहाँ का व्यू। अभी सुबह का मैं आप लोगों को दिखाता हूँ पालपा किस तरह का दिखता है। सबसे पहले तो आप सूर्यदेव को दर्शन कर लो। तो ये रहा पालपा, देख सकते हो। और मैं अगर पर्सनली बोलूं कि ये मुझे कैसी जगह लगी, ये बहुत अच्छी जगह है। और अच्छी जगह इसलिए भी है क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा लगता है अल्मोड़ा जैसी फीलिंग आती है मुझे यहाँ पर। जो लोग अल्मोड़ा में गए हुए हैं उन लोगों को लगभग सेम लगेगा। और यहाँ से नीचे की साइड सुबह पूरा बादल लगे थे, तो बहुत ही अच्छा व्यू दिख रहा था, लेकिन अभी थोड़े बहुत वो देख सकते हैं आप कोने में, वहाँ पर बादल दिख रहे हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत कोहरा भी लगा हुआ है। तो ये रहा पालपा, और नीचे मैं आ गया हूँ अभी छत से। तो ये एक रेस्टोरेंट है जिसमें कि शीशे लगे हुए हैं, यहाँ से आप देख सकते हो बादल। ये बादल ही बादल दिख रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा व्यू लग रहा है देखने में। हाँ यहीं छा, ये देख सकते हो आप पालपा की मार्केट, सुबह के टाइम का व्यू। कल रात को तो सारी दुकानें बंद हो गई थी। जो लोग अल्मोड़ा को देख चुके हैं उनको सेम फीलिंग आएगी यहाँ पर अभी, है ना? अल्मोड़ा की तरह लग रहा है सेम। ये रास्ता भी वैसे ही है गाइस। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि पालपा को ही तानसेन बोला जाता है, इसका मतलब ये है कि पालपा एक जिला है जिसके नगर पालिका का नाम है तानसेन। तानसेन एक पहाड़ी शहर है और यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत है यार, जहाँ समय धीरे धीरे चलता है। यहाँ के बाज़ारों की सड़कें पथरीली हैं। पालपा का सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा है लुम्बिनी, जो लगभग 62 किलोमीटर दूर है। ये एक चौक है और सामने मंदिर है। यार ये म्यूज़ियम है, इसी में हम लोग आने वाले हैं अभी थोड़ी देर के बाद। सबसे पहले अभी हम लोग रानी महल में जाएंगे। अरे म्यूज़ियम अच्छा म्यूज़ियम हुन्छ, म्युजियम भनौँ भने त्यो पुरानो पुरानो हुन्छ न, त्यो त्यस्तो दिखाउनुलाई।
तो ये आप देख सकते हो जैसे अल्मोड़ा में छोटी छोटी दुकानें होती हैं और उसके ऊपर ये घर वगैरह होते हैं, तो सेम वैसे ही है। नीचे सब मार्केट है, ऊपर घर है। तो एक चौक जैसा है यहाँ पर जो है, ये गोल घर बोला जाता है इसे, देख सकते हो। यहाँ पर बेसिकली होता ही है कि यहाँ पर कोई भी आके रेस्ट कर सकता है, वो ये आप देख सकते हो। यहाँ की फेमस जगह है, यहाँ पर हम लोग बैठ के रेस्ट कर सकते हैं। तो यार यहीं पर ही एक सीढ़ी भी गई हुई है ऊपर, इसमें जाके देखते हैं। यहाँ पर भी रेस्ट कर सकते हैं। वेट कर रही है मेरा वहाँ पर। और ये जो मंदिर है, ये भीमसेन मंदिर है यहाँ का, ये वाला जो मंदिर है। तो आप चलते हैं नीचे। तो गोल घर के जस्ट बगल में ही ये भीमसेन मंदिर है। तो इसी रास्ते से हम लोग कल आए थे और रास्ता जो है एकदम खड़ी चढ़ाई है, तो इसीलिए हम लोग टैक्सी ढूंढ रहे हैं ताकि गाड़ी चलाने में दिक्कत ना हो हमें, क्योंकि यहाँ के जो लोकल लोग हैं टैक्सी वाले, उन लोगों को तो आदत रहती है ऐसी सड़कों पे गाड़ी चलाने की। तो एकदम खड़ी रोडें हैं यहाँ पर। सर अभी हम लोग पैदल ही चल रहे हैं क्योंकि टैक्सी का वेट कर रहे हैं हम लोग, ढाई गए हैं तो टैक्सी लेने के लिए। तब तक हम लोग घूम रहे हैं यहाँ पर पालपा में।